Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. हर प्रेम कहानी इतिहास तो नहीं रचती, मगर हर ऐतिहासिक कहानी में प्यार बहुत बड़ा किरदार निभाता है। और जिस कहानी को हम आज आपके सामने दोहराने वाले हैं, वो न सिर्फ एक ऐतिहासिक प्रेम कहानी है, बल्कि इतिहास का एक अहम हिस्सा भी है। ये प्रेम कहानी है हैदराबाद की। ये कहानी है मोहम्मद कुली कुतुब और रानी भागमती की। मोहम्मद कुली कुतुब शाह गोलकोंडा की कुतुब शाही डायनेस्टी के पांचवें सुल्तान थे। गोलकोंडा 15th सेंचुरी के सबसे ताकतवर राज्यों में से एक था। शिया इस्लामी सल्तनत का गोलकोंडा अपनी शानदार इमारतों और हीरे जवाहरात के लिए प्रसिद्ध था। दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर भी गोलकोंडा में ही पाया गया था। कुली कुतुब गोलकोंडा के सुल्तान इब्राहिम कुली के बेटे थे। कुली कुतुब को बड़ी ही कम उम्र से किताबों से बड़ा लगाव था। वो अरबी, फारसी और तेलुगु भाषाओं के बहुत ही बड़े स्कॉलर थे और उर्दू के प्रसिद्ध शायर भी। और जैसे कि लोग जानते हैं, शायरी और आशिकी में ज्यादा फर्क नहीं होता। कुली कुतुब को प्रेरणा की जरूरत थी जब उनके जीवन में भागमती ने कदम रखा। भागमती देवदासियों की कम्युनिटी से थी, वो महिलाएं जो मंदिरों में भगवान की सेवा के लिए नृत्य का प्रदर्शन करती हैं। भागमती बहुत ही सुंदर थी और जब वो नाचती और गाती थी तो और भी आकर्षक लगती थी। उनकी आवाज सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, जिनमें से एक कुली कुतुब भी थे। गोलकोंडा से 10 किलोमीटर दूर मूसी नदी के दक्षिणी कोने पर भागमती का गाँव चिचलम हुआ करता था। कुली कुतुब रोज मूसी नदी को पार करके भागमती से मिलने जाते थे। वो रोज इतना लंबा सफर तय करते थे सिर्फ भागमती की आवाज सुनने के लिए। भागमती उनके लिए गाती थीं और वो घंटों तक उन्हें सुनते रहते थे। कुली कुतुब भी भागमती की झोली को तारीफों से भर देते थे। कहा जाता है कि कुली कुतुब की कई रोमांटिक कविताओं और शेरो शायरियों की प्रेरणा भागमती है। कहा जाता है कि भागमती को भी कुली कुतुब पहली मुलाकात से ही पसंद आ गए थे। वो भी उनसे मिलने का बेसब्री से इंतजार करती थी। पूरी दुनिया भागमती के नृत्य और गायकी के लिए उन्हें पसंद करती थी, मगर कुली कुतुब की बात और थी। कुली कुतुब उनकी बहुत इज्जत करते थे और उनसे प्रेम भी। एक राजकुमार होने के बावजूद वो उनके आगे एक आम आदमी की तरह पेश आते थे। क्योंकि भागमती का गांव नदी के किनारे था, इसलिए उनके गांव में अक्सर बाढ़ आती थी और गांव वालों को काफी संघर्ष करना पड़ता था। एक बार मूसी नदी से चिचलम के अंदर इतना पानी बह गया कि लोगों को अपनी जान के लिए संघर्ष करना पड़ा। जब कुली कुतुब को बाढ़ के बारे में पता चला तो वो तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर चिचलम के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पानी का बहाव इतना तेज है कि नदी के पार जाना नामुमकिन। अपने रक्षकों द्वारा रोके जाने के बावजूद कुली कुतुब अपने घोड़े के साथ नदी में कूद गए। पानी की बढ़ती ऊंचाई और तेज बहाव से कुली कुतुब लड़ते रहे और हार नहीं मानी। किसी तरह वो अपने घोड़े के साथ सही सलामत नदी के पार पहुंच गए। जब सुल्तान इब्राहिम को अपने बेटे की इस हरकत के बारे में पता चला तो वो गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कुली कुतुब के भागमती से मिलने पर रोक लगा दी। लेकिन जब सुल्तान इब्राहिम ने देखा कि उनके बेटे के चेहरे से खुशी चली गई है तो उन्हें अपने फैसले पर अफसोस हुआ। अपने बेटे को मायूस देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने कुली कुतुब को अपनी प्रेमिका से मिलने की इजाजत दे दी, मगर उससे पहले उन्होंने मूसी नदी के ऊपर एक ब्रिज बनवाया ताकि नदी पार करते समय कुली कुतुब की जान को खतरा न हो। कुली कुतुब की हंसी लौट आई थी, लेकिन उन्हें एक और मुसीबत का सामना करना बाकी था। भागमती एक देवदासी थी और कुली कुतुब एक राजकुमार। दोनों के रिश्ते को लेकर काफी विवाद हुआ, खासकर भागमती के गांव वालों की तरफ से जो दूसरे धर्म के थे।
दोनों की उम्र में भी काफी फर्क था। कुली कुतुब भागमती से छोटे थे और इस बात पर भी कई लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन दोनों पर लोगों की बातों का फर्क नहीं पड़ा। ना कुली कुतुब ने नदी के उस पार जाना बंद किया और ना भागमती ने कुली कुतुब से मिलना। जब कुली कुतुब गोलकोंडा के सुल्तान बने तो उन्होंने न सिर्फ भागमती को अपनी रानी बनाया, बल्कि उनके सम्मान में उनके ही गांव चिचलम के पास एक भव्य और विराट शहर स्थापित किया और उसका नाम भाग्यनगर रखा। कहा जाता है कि रानी भागमती ने आगे जाकर इस्लाम को अपना लिया, जिसकी वजह से भाग्यनगर को लोग हैदराबाद भी कहने लगे। कुली कुतुब और भागमती की प्रेम कहानी प्यार करने वालों को बहुत उम्मीद देती है, जिन्हें रीति रिवाज और समाज के बनाए हुए नियमों की परवाह नहीं। काफी मुश्किलों के बाद अंत में जीत हुई तो प्यार की। जिस प्यार ने कुली कुतुब को शायर बनाया, उस प्यार ने एक देवदासी को गोलकोंडा की रानी भी। ये कहानी है बड़ी दिलचस्प। किस तरह जवान प्यार का उतावलापन उसका दुश्मन भी बन सकता है, लेकिन जवान दिल की नादानियों और उतावलेपन को कौन नहीं समझता। ये कहानी है कवि अंबिकापति और राजकुमारी अमरावती की।